Good morning, everyone. I hope you're all well. Reading the title of the video, you guys have probably guessed that today's video is going to be in Hindi. I'm attempting vlogging a video in Hindi, but guys, I do not want you guys to judge me because Hindi is not my first or my second language. So this one is a challenge for me, but I'm all up for challenges. So we are going to film this vlog in Hindi, but I just wanted to introduce and disclaimer this, that I'm not a fluent Hindi speaker, so I'm gonna try my best and we shall see how it goes. So let's be off. So guys, I hope aap logo ko meri Hindi samajh mein aayegi. Aur agar na aaye to I'm really sorry, but main koshish karungi ki jitna Hindi main bol saku is video mein utna bolungi. So aaj hum log ja rahe hain Birmingham यूँ ही घूमने फिरने के लिए, क्योंकि अभी मेरी हॉलीडेज है. सो मैंने सोचा कि कहीं घूम आए फिर आए, यू नो. अभी हम लोग बर्मिंघम जाते हैं. सो मैं जा रही हूँ अपनी खाला और नाना के साथ, जिसको हम अभी लेने जा रहे हैं. ये मेरी कार ऑन की मैंने और अभी हम जाएंगे उनके घर मेरे घर से. सो आप लोग ज़रूर देखिएगा. एंड आपको मैंने ज़्यादा लेस्टर नहीं दिखाया है, सो आप कुछ कुछ इलाके में आपको दिखा दूँगी. सो उसकी भी आपकी सैर हो जाएगी. सो चले. गाइस, मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, मेरी गाड़ी चल रही है, दैट्स व्हाई. और मेरा फ़ोन भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि अभी मैंने लगाया है ऊपर ट्राईपॉड में, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको अच्छे से दिखे. अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी नानी के घर, उनको लेंगे और फिर हम ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना होंगे. हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं. ये ट्रेन स्टेशन आप लोगों ने काफ़ी बार पहले भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में. मैं यहाँ पे आज कुछ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ से हॉट चॉकलेट ले रही हूँ ताकि मुझे भूख ना लगे. थैंक यू सो मच. Thank you.
ये है बर्मिंघम का स्टेशन, काफ़ी बड़ा है लेस्टर से, क्योंकि यहाँ पे 12 प्लेटफॉर्म होते हैं और लेस्टर में सिर्फ 2। सो पहली बार हम लोग आए, बट थैंक गॉड कि हम लोग कहीं खो नहीं गए, साइंस अच्छी थी, सो हम आ गए और निकल गए और ये रहा बर्मिंघम। हाँ हाँ बराबर जज, चलो बर्मिंघम ડેબિન નમ બહુ વખત પછી જવું છે ઉભી રહો મેં જાય શૂટિંગ કરી લો अभी हम आ गए हैं अजीज स्टोर में, जो सबसे फेमस इंग्लिश फैब्रिक का स्टोर है। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश फैब्रिक्स अच्छे वाले चाहिए और सस्ते में भी चाहिए तो ये स्टोर आपको देखना चाहिए, आपको आना चाहिए। 100% मैं रेकमेंड करती हूँ। मैं पहले भी आ चुकी हूँ अजीज स्टोर में और इस बार खाला और नाना को भी लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे इंग्लिश फैब्रिक्स इतने अच्छे दाम में मिलते हैं। ये देखिए, ये सूट है 10 pounds में, सिर्फ पूरा सूट 10 pounds में। गाइज, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूके में। तो अगर आप यूके में हैं या आपका कभी यूके आना हुआ तो आप ज़रूर आइएगा अजीज स्टोर। तो गाइज, अभी हमें बहुत भूख लग रही थी, 1:30 बजे है, तो हम अभी आए हैं खाने आलम रॉक कबाब हाउस में। और मेरा आखिरी स्टॉप आलम रॉक रोड पे है मुश्ताक स्वीट्स। यहाँ पे भैंस के दूध की मिठाइयाँ मिलती हैं, बर्फ़ी मिलती है खास। बर्मिंघम की बहुत फेमस है, सो हम जब भी आते हैं यहाँ से बर्फियाँ तो लेके ही जाते हैं, जो असली दूध, असली भैंस के दूध का होता है। सो अगर आपने ये यहाँ से मिठाई नहीं ली तो फिर आपने क्या लिया बर्मिंघम आके। मैं कुछ मिठाइयाँ लूँगी यहाँ घर के लिए और फिर हम लोग चलेंगे बुलरिंगपिंग। ये रही वो बर्फियाँ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और अभी हम आ गए हैं बुलरिंग। ये है बर्मिंघम का सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बट मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा था, हवाएं बहुत चल रही थी, जैसे आप देख सकते हो बादलों को।
मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया. फिर बहुत ठंड होने लगी, सो फिर हम ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो गए वापस से घर आने के लिए. बट आज का मेरा मेन फोकस था आपको आलम रॉक रोड दिखाना, जहाँ पे एथनिक एशियन वेयर और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है. बट नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा से बर्मिंघम आऊँगी, शायद समर में आऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट में मार्केट्स वगैरह लगती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो दिखाऊंगी, वो होगा हमारा फोकस. बट आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.